वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप सभी को इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, और हो सके तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि BHC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे BHC का पूरा नाम बताना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। इस टेस्ट में मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। BHC का पूरा नाम क्या है, तो BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, नौसादर और नमक को अलग कैसे किया जाता है, पृथक कैसे किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है नौसादर की, तो नौसादर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपका होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl होता है। उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है नमक की। ठीक है, तो नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ठीक है, आपको यहाँ पे कारण बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आपका दिया गया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है क्लोरीन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन, यानी चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो नाइट्रोजन लाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको पानी यानी जल का भी केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे अमोनिया की बात आई है, तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। और किसमें घोलने की बात हो रही है, पानी में, तो प्लस H2O। ठीक है, अब इनकी हम रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो NH3 प्लस H2O रिएक्शन होने पर हमें मिलेगा यहाँ पे NH4OH। क्या मिलेगा, NH4OH। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपको NH4OH कहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH4OH जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो ये अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे NH4OH की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और ये क्वेश्चन लगातार 2 साल आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है अम्लीय होता है, ऑप्शन बी आपका दिया गया क्षारीय होता है, ऑप्शन सी दिया हुआ उदासीन होता है, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात आई है सल्फर डाइऑक्साइड की, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा और आप लोगों को याद भी होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस जलती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है पीली लौ से जलती है, ऑप्शन बी दिया गया है नीली लौ से जलती है, ऑप्शन सी दिया है हरी लौ से जलती है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नीली लाल लौ से, मतलब दोनों से जलती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीली लौ से जलती है। जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो नीली लौ से जलती है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ एडीपी अम्ल, ऑप्शन बी आपका दिया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया हुआ एथिलीन, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नायलॉन बनाने में जो आपका प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है वो आपका होता है एडीपी अम्ल, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी एडीपी अम्ल, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वेरोनल एक औषधि है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था औद्योगिक रसायन अपने पहले चैनल पे। ठीक है, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ये आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेरोनल एक औषधि है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया गया है एक निद्राकारी है, ऑप्शन बी दिया हुआ प्रतिरोधी है, ऑप्शन सी दिया हुआ एंटीबायोटिक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ सल्फर ड्रग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निद्रा कार्य। ठीक है, जो वेरोनल एक औषधि होती है ये निद्रा कार्य होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया है ये चैप्टर आपका है ईंधन एवं ज्वाला, ये भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह है, आपको ये बताना है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी दिया हुआ है बिटुमन युक्त कोयला, ऑप्शन सी दिया हुआ है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पीट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंथ्रासाइट, यानी कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है वह कौन सा होता है, तो वह होता है एंथ्रासाइट, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 96% होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट में 96% कार्बन उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और ये जो मैंने 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए। ठीक है, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो सभी क्वेश्चन के आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 के सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये टेस्ट आपका कंटिन्यू होता रहेगा, मैं डेली कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए टेस्ट वाली वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।